गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में, और मैं दीपिका सारस्वत आपका स्वागत करती हूँ चैनल। नमस्कार। जैसा कि अभी मैं थोड़ा सा आपके सामने वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो मैंने उसमें थोड़ा सा मेकअप करवाया हुआ है। और मेकअप आपको पता ही है कि आजकल के जो मेकअप के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो केमिकल युक्त वगैरह होते हैं, तो उसके उसको साफ़ करने के लिए मैंने ये मंगवाया है। रूप मंत्रा का फेस वॉश है और बहुत अच्छा सा है, और ये एक आयुर्वेदिक है, तो इसलिए इससे फेस अगर मैं वॉश करूँगी तो मेरा फेस ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि मेकअप करने से फेस ख़राब हो जाता है। तो अभी जो मैंने मेकअप करा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए मैंने ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये नीम का फेस वॉश है और इससे फेस भी ख़राब नहीं होता। ये आयुर्वेदिक एक है और मेडिसिन का ही काम करता है। तो आप भी ऑर्डर करिए, इसका लिंक मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप भी ऑर्डर कर मंगाइए और अपने फेस को केमिकल से मुक्त बनाइए और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। और दूसरा, मैं आपसे ये कह रही थी कि मैंने जो थोड़ा सा मेकअप करवाया है वो मैंने आँखों का मेकअप करवाया था, और वो कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। और एक बात और बताओ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मेरा कुछ फेस वेस पतला लगा कि नहीं लगा, डाइटिंग का कुछ असर दिख रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा फैटी फैटी हो रही थी, तो अभी पता नहीं पतली हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ। कोशिश तो जब बरकरार है मेरी। आज मेरे को 7वां दिन है, 7 दिन हो गए मेरे को डाइट करते करते। सिर्फ मैं ग्रीन वेजिटेबल्स ही खा रही हूँ, और रात में मैंने आपको दिखाया था कि मैं पालक पनीर खाती हूँ। पालक जो मैं डाइट जो ले रही हूँ उसमें ज़्यादातर मैं ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाती हूँ, और रात को भी ग्रीन ही खा के सोती हूँ, क्योंकि जो ना मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है इससे, और डाइटिंग भी सही रहती है। और ग्रीन सब्जियों में सारे आपको विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं, जो आपकी बॉडी की जो नीड होती है वो आपको सारी उसमें मिल जाती है, तो इसलिए मुझे वो सब लेना पड़ता है। और कीटो का मैंने आपके साथ बताया था कि मैं और क्या क्या लेती हूँ। एप्पल विनेगर लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में, फिर ब्लड कॉफ़ी लेती हूँ, फिर अपना ग्रीन वेजिटेबल्स की सब्ज़ी बनाती हूँ वो खाती हूँ, पनीर खा लेती हूँ, चीज़ खा लेती हूँ, और जो लोग ऑमलेट खा सकते हैं अगर वो लोग ऑमलेट खाकर अपनी डाइट करते हैं, तो ऑमलेट तीन अंडों का अगर आप रोज़ ऑमलेट खाते हो तो उससे भी आपका वेट लॉस होता है। कीटो में आप खा सकते हो अंडे, और कीटो में तो फिर जब लोग नॉनवेज वाली करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो कम चीज़ें खा पाते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स ही उन्हें खानी होती है। और आप वेजिटेबल्स में अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन के लिए आप ब्रोकली खा सकते हो, लेकिन आजकल मार्केट में ब्रोकली नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो लेकिन गोभी आ रही है, गोभी खा लेती हूँ मैं। मेरे को लग रहा है मेरा थोड़ा फेस पतला हुआ है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये जो डाइट होती है इसमें सबसे पहले आपका फैट जाता है, जो बॉडी का जो फैट होता है जो बहुत जगह जगह हो जाता है जमा, पहले वो जाता है, फिर उसके बाद आपका वेट जाता है। तो अभी मेरे को लगेगा बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मोटी हूँ। तो मुझे टाइम लग जाएगा, तो मैं सोच रही थी कि 15 दिन से बढ़ाकर मैं 1 महीने की डाइट कर लेती हूँ। पहले जब मैंने करी थी तब मैंने 100 डेज़ की करी थी, तो 100 डेज़ में मैंने आपको बताया था मैंने 20 kg वेट लॉस किया था। अब देखो कितना होता है, करूँगी तो है ही। आपकी सिर्फ सोचिए, अभी पहले 15 दिन की लेके चली थी, फिर मैंने आगे बढ़ा दिया। अब सोचती हूँ नहीं, 1 महीना तो कर ही लेती हूँ, अगर मेरे को कर पाई तो बढ़ाती जाऊँगी, और रिज़ल्ट अच्छा सा मिलना चाहिए। मुझे लगता है रिज़ल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब पहले मैंने करी थी तब भी मुझे रिज़ल्ट मिला था, तो अभी भी मिलेगा। तो जैसा जैसा होगा मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करती रहूँगी, तो देखते हैं। कितनी मेहनत करी है, कितना टाइम लग गया? 1 घंटा लग गया। ओए राम, मतलब पूरा मास्क बनाया है इसने मेकअप से। आप जब ज़्यादा हैवी मेकअप करते हो और आपको उसको रिमूव कैसे करना है, तो उसके लिए पहले आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लोगे, और कोकोनट ऑयल से थोड़ी सी मसाज करके फिर उसको, अगर आप मेकअप को रिमूव करते हो तो आपके कोई निशान भी नहीं पड़ता है, और दाने वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और केमिकल भी नुकसान नहीं करता है। इसलिए आपको पहले कोकोनट ऑयल लगाना है, उसे हल्की सी मसाज करनी है, फिर उसके बाद उससे फेस वॉश कर लीजिएगा, और फिर उसको पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद आपने उसमें फेस वॉश इस्तेमाल करना है। फेस वॉश आप कोई सा भी ले सकते हो, किसी भी कंपनी का ले सकते हो, तो और इस तरीके से छुटाते हो तो आपको कोई
प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब ये जिसने रूप मंत्रा का लिया हुआ है, हमने हमारे पास रूप मंत्रा का है नीम फेस वॉश, तो उसी से हम लोग फेस वॉश करेंगे। और फेस वॉश भी आप आसानी से करोगे, हल्के हाथों से करो, तो आपको मेकअप जो करते हो वो फिर आपको नुकसान नहीं करता है। आप जो फेस वॉश लेते हो, फेस वॉश को भी थोड़ी सी लेने के बाद उससे भी हल्की हल्की मसाज करिएगा, तभी आपको उसका रिजल्ट अच्छा सा मिलेगा। फेस वॉश लगाने के बाद हल्की हल्की मसाज करिए, फिर उसको वॉश करिए और झाग बनाइए, तभी उसको रिमूव करिए। फिर हेलो अच्छा, क्या कर रहे हो? हम इनके ऊपर आज मैं आई मेकअप करूँगी। आज ना रिया मेरे साथ मेरे आई मेकअप करेगी, तो वो अब मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, तो देखिएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी मेरी आईज देख लो किस तरीके की है, और अभी जब ये मेरा मेकअप करेगी तो कैसी हो जाएंगी। आज मैं फुल मेकअप इससे नहीं करा रही हूँ, आज ही मुझे बड़ा अच्छा सा बना देगी, मेरी आंखें बड़ी सुंदर सी कर देगी। फर्स्टली हम कोई भी बेस या फाउंडेशन अप्लाई करेंगे आईज पे, ट्रांसपेरेंट पाउडर से इसके ऊपर टैप टैप कर देंगे, इससे हमारा बेस सेट हो जाएगा। अब ये वाला बेस हमारा सेट हो गया पाउडर से। आप लोगों को बीच बीच में किट्टू की आवाज आ रही होगी, किट्टू है यहाँ पर। इसके बाद हम लाइट ब्राउन कलर से हमारी जो क्रीज होती है उस पे करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करना होगा, ये हमारी लाइन बन जाएगी और इसके अंदर ही हमें आई मेकअप करना होगा। मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा, और कमेंट्स करिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर करिए उन्हें, मुझे भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा प्यार दीजिए, और जब तक आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो इसलिए आप लोगों का प्यार और पूरा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का आगे बढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मंडे के दिन मैं लाइव आती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपिका माई फ्रेंड्स में, तो वो देखना मत भूलिएगा मंडे के दिन शाम को 4 बजे। तो मिलते हैं फिर, ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।